इश्क से मिलकर देखा था, इश्क से मिलकर देखा था जीना मुहाल कर गया, इश्क से मिलकर देखा था जीना मुहाल कर गया, गुर्बत में लाश छोड़कर कब्र मिट्टी से भर गया। मुझे नहीं आता प्यार का इजहार करना, मुझे नहीं आता प्यार का इजहार करना, काश तुम आंखों की भाषा समझ लेती। मैं कुछ कहना चाहता था लेकिन कह नहीं पाया, दिल में जो बात थी वो जुबां पे आती थी लेकिन लफ्जों में तब्दील होने से पहले ही कही कही खो सी जाती थी। क्या वो प्यार था? बख्शे अगर मुफ्त में, बख्शे अगर मुफ्त में मुझे खुदा से एक हसरत खास उसी की करनी है, बख्शे अगर मुफ्त में मुझे खुदा से एक हसरत खास उसी की करनी है, मैं क्या करूं इन दीवानों का। बख्शे अगर मुफ्त में मुझे खुदा से एक हसरत खास उसी की करनी है, मैं क्या करूं इन दीवानों का, मुझे बदतमीजियां बस बर्दाश्त उसी की करनी है। क्या वो प्यार था? जब कॉलेज के पहले दिन मैंने पहली बार तुम्हें देखा तो ऐसा लगा था कि पूरी जिंदगी कहीं रुक सी गई हो। मैं मेरे चार दोस्तों के साथ आखिरी बेंच पर कोने वाले सीट पर बैठा था जहाँ से मुझे पूरे क्लास का व्यू मिले। उस व्यू के सेंटर में तुम रहो और मेरा फोकस सिर्फ तुम पे बना रहे। मैम जोर जोर से चिल्ला के कुछ पढ़ाने की कोशिश कर रही थी मगर तुम्हारी दिल की धड़कनों से उनकी आवाज मेरे लिए कहीं गुम सी हो गई थी। क्या वो प्यार था? तो ये निगाहें खुला मैखाना है, वो कहता है दरबान बिठा दो, ये निगाहें खुला मैखाना है, वो कहता है दरबान बिठा लो, हल्का सा बस हल्का सा वो कहता है तुम काजल लगा। आंखों से आंखें मिल गई, बातों से बातें मिल गई, बातों के लिए मुलाकातें बढ़ गई और वो मुलाकातें धीरे धीरे दोस्ती में तब्दील हो गई। तब तुमने मुझसे एक बात कही थी कि शुभम लड़की का हाथ हमेशा इस तरह से हाथ में पकड़ते हैं और मैं पगला मन ही मन में मुस्कुरा कर कह गया कि मैं तुम्हारा यह हाथ जिंदगी भर पकड़ के रखना चाहता हूँ। क्या वो प्यार था? उस दिन से पढ़ाई के लिए कॉलेज जाना फिजूल सा लगता था और जिस दिन तुम नहीं आती थी तो पूरा कॉलेज ही बंजर रान सा लगता था। तब से तुम मेरी जिंदगी का हिस्सा बन गई, हम साथ में ही मुस्कुराते थे, बस फर्क इतना होता था तुम खुशी से मुस्कुराती थी और मैं तुम्हें देख के मुस्कुराता था। क्या वो प्यार था? मन्नत पढ़कर, मन्नत पढ़कर नदी में पत्थर फेंकना, मन्नत पढ़कर नदी में पत्थर फेंकना मेरा जाते जाते यूं मुड़कर देखना, मन्नत पढ़कर नदी में पत्थर फेंकना मेरा जाते जाते यूं मुड़कर देखना, और वो गुजरे जब इन गलियों से मेरा खिड़की से छत से छुप कर देखना, हाँ उसे पसंद है। इन आंखों को तेरी आदत सी हो गई थी, इन ओठों को तुम्हारी इबादत सी हो गई थी, एक लाइन में तुम्हारी तारीफ क्या करूँ, पानी तुम्हें देखे तो प्यासा बन जाए और आग तुम्हें देखे तो उसे खुद से ही जलन हो जाए। क्या वो प्यार था? तुम्हारे फोन पे रिचार्ज मैं करता था और घंटों तक तुम किसी और से बातें करते थे। तुम प्यार से किसी और का हाथ पकड़ती थी और यह गुदगुदी मेरे हाथों में होती थी। तुम किसी और को गले लगाती थी और यहाँ धड़कनें मेरी तेज हो जाती थी। क्लास में मैम तुम्हें डांटती थी लेकिन गुस्सा मुझे आता था। तुम किसी और के कंधे पर सर रख कर रोती थी और यह तकलीफ मेरे दिल को होती थी। क्या वो प्यार था? न जाने वो क्या था, प्यार था या कुछ और था, लेकिन जो तुमसे था वो किसी और से नहीं था। दोस्तों उसने मुझसे कहा था कि उसे प्यार की दीवारों से नफरत है और कुछ महीने बाद वो किसी और के साथ अपने मोहब्बत का महल सजा रही थी। ये झुमका उसकी पसंद का है और ये मुस्कुराहट उसे पसंद है, लोग पूछते हैं सबब मेरी अदाओं का, मैं कहती हूँ उसे पसंद है। साला मुझे लगता था कि जिंदगी का एक उसूल है, मतलब प्यार के बदले हमेशा प्यार मिलता है, लेकिन जब हमारी बारी आई तो साला जिंदगी ने अपने उसूल ही बदल दिए। तो आज से हम भी बदलेंगे, हम भी बदलेंगे, हमारा अंदाज़े ज़िंदगी, राब्ता सबसे होगा लेकिन वास्ता किसी से नहीं।